सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिस ना कर पाएं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोमिक्स। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने YouTube के चैनल के लिए चैनल आर्ट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल आर्ट बनाने के लिए मैं जैसा कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना होगा। एक भी स्टेप को मिस मत करना, वरना आप चैनल आर्ट अच्छे से नहीं बना पाओगे। तो पूरी वीडियो को देखते रहिएगा। आप जैसे YouTube पे चैनल आर्ट सर्च करोगे, आपको ये पहली वाली लिंक पे चले जाना है। उसके बाद आपको है ना एक zip फाइल मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लेना है। ये वेबसाइट पे चैनल आर्ट की लेंथ और विड्थ लिखी हुई है, जो आपको YouTube के चैनल के लिए रिक्वायर्ड है। तो आप इसमें से देख के अपने हिसाब से भी आप चैनल आर्ट बना सकते हो, या तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लो zip फाइल और फिर आप उसको एडिट कर सकते हो। देखिए हम वही कर रहे हैं, डाउनलोड करके एडिट करेंगे। यहाँ पे देखिए चैनल आर्ट टेम्पलेट लिखा है, उसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना, तो आपका जो zip फाइल है ना वो तुरंत ही डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको उसको डिकम्प्रेस कर लेना है, तो उसमें आपको है ना तीन फाइल्स मिलेगी। उसमें से एक जो होगा वो इमेज होगा। यही इमेज को आपको एडिट करके अपना खुद का एक चैनल आर्ट बनाना है। ये इमेज में देखिए आपको तीन चीज़ें दिख रही होगी, और वहाँ पे होगा एक मोबाइल के लिए होगा, मतलब आप जब मोबाइल में देख रहे हो तो कैसा दिखेगा, जब आप टैब में देख रहे हो तो कैसा दिखे, और डेस्कटॉप में देख रहे हो तो कैसा दिखे। तो आपको जो तीन लाइंस दिख रही है ना वो उसी के हिसाब से दिया हुआ है। तो आपको उसी के बीच में आपको एडिट करना है, मतलब अगर आप फ़ोन में देख रहे हो तो आपको बस उतना ही दिखेगा जितना आपने फ़ोन की लाइंस के बीच में एडिट किया हुआ है। तो आपको इसमें क्या करना है पता है, देखो जो हमने ब्लैक लाइन बनाई है ना उसी के बीच में आपको एडिटिंग करना है, पूरा नहीं करना है। अभी सपोज़ कि आपको कोई बैकग्राउंड चाहिए, तो अभी हम लोग आपको वाइट कलर के बैकग्राउंड में आपको करके बता देते हैं। फिर आप उसके बीच में अपनी जो भी चीज़ है, मतलब आपको जो भी करना है चैनल आर्ट में, आप वो डाल सकते हो। देखिए अभी हम आपको वाइट कलर के बैकग्राउंड को बना के बता देते हैं। इसी तरह आपको जो कलर का बैकग्राउंड चाहिए आप वो कलर के बैकग्राउंड को बना सकते हैं। रेक्टेंगल में ही आपको करना है ये, और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना डेस्कटॉप लैपटॉप, वो सब लाइंस को आपको मार्क कर लेना है, क्योंकि आप बैकग्राउंड बनाने के बाद वो लाइंस को देख नहीं पाओगे। तो आप उसको मार्क कर लोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने भी हमारा चैनल ऐसे ही बनाया था। ये डेस्कटॉप की साइज़ देख लीजिए आप, वही साइज़ के बीच में आपको बनाना है अपना चैनल आर्ट। उसको आप एडिट करो, कुछ भी करो, आपको जो डालना है टेक्स्ट डालो, जो भी डालना है आप डाल सकते हो। हमने हमारा चैनल आर्ट बना लिया है, इसके लिए हम आपको वापस से पूरा बना के नहीं बताएंगे। आपको ये चैनल आर्ट को डायरेक्ट डाउनलोड करना है तो हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाके भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि आप ये लाइन बनाना ना भूलिए। देखिए हमने हमारा बना लिया है लाइन, ताकि ये जो लाइन्स है ना, मतलब उतना ही दिखेगा आपको फ़ोन में, उससे ज़्यादा नहीं दिखने वाला है। अगर डेस्कटॉप में आप देखोगे तो आपको दोनों साइड ब्लैंक दिखेगा और बीच में ये टेक्नोमिक्स लिखा हुआ दिखेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए।